हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मैं एसटीआर मैथ का फुल सॉल्यूशन कर रही है। हमारे चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में हमने 62 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 63 से 72 तक करेंगे, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन चुनाव से संबंधित होंगे। आपने देखा होगा चुनाव वाले क्वेश्चन कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एक ही तरीका बताऊंगा, एक तरीके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई से भी क्वेश्चन कर लेना चुनाव से संबंधित, ठीक है। बस एक ही तरीका लेके चल रहा, तो मुझसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। गारंटी देता हूँ अगर आज के बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें, ठीक है, पर ठीक से देखना वीडियो को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं 63 में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 64 करूंगा, ठीक है, क्योंकि 63 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जब आप ये दो तीन क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में आपको 63 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता आपको किसी वजह से भी दिक्कत आए किसी क्वेश्चन में भी, तो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा उसे क्वेश्चन, और फिर आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 पहले करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 ने बोला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो बिल्कुल हर क्वेश्चन में जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं देखना, आपको कुल मतों की संख्या 100 मान लेनी है, ठीक है। क्या मान लेनी है? 100। कितनी मान लेनी है? 100। हर क्वेश्चन में ऐसा करना, कोई भी क्वेश्चन हो चुनाव से संबंधित, ठीक है। 100 मान ली। उसने बोला है उनमें से एक को 60% मत मिले। जब 100 का 60% निकालेंगे तो एक को कितने मत मिले होंगे? 60 मत मिले। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब एक को 100 में 60 मिलेंगे तो दूसरे को आपको पता होगी कितने मत मिले होंगे? 40 मिले होंगे, ठीक है, 40 मिले होंगे ना। अब उसने बोला है 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। अब मैं यहाँ से कहूँ एक को 60 मिले, एक को 40 मिले, तो 60 मत वाला जीता। कितने वोटों से जीता? आप बोलोगे 20 वोटों से जीता। उसने क्वेश्चन में बोल रखा 20 वोटों से नहीं जीता, वो कितने वोटों से जीता? 1600 वोटों से जीता, ठीक है। कितने वोटों से जीता? 1600 वोटों से जीता। तो मुझे क्या बताना है? तो उसने बोला तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो मैंने कुल मत कितने माने थे? 100। तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। 20 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1600। तो 100 की वैल्यू मुझे बतानी है। क्यों ना मैं इसमें 20 में 5 की गुणा कर दूँ तो 100 हो जाएगा। जब 5 की गुणा इधर करिए तो 5 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। 20 पंजे 100, और जब इसकी गुणा करेंगे हम यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा? 8000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से इतने मतों से हार गया, तदनुसार कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मत कितने मान लेने? मैंने बताया था कुल मत मान लेने 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लिए, तो उसने बोला उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत मिले, ठीक है। इसका मतलब 40 मत मिले, एक को 40 मत मिले, ठीक है। तो जब एक को 40 मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? 60, ठीक है। दूसरे को कितने मिले होंगे? 60 मिले होंगे। तो अब बोला है उसने, तो जिस 40% मत मिले थे वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब मैं आप यहाँ से बोलूँ कि 40 वाला कितने मतों से हारा है, तो आप बोलोगे एक को 40 मिले तो एक को 60 मिले, तो 40 वाला 20 मतों से हार गया, ठीक है, 20 मतों से हार गया। मैं बोलूँ 20 से नहीं हारा, उसने बोला क्वेश्चन में 298 मतों से हारा है, ठीक है। कितने मतों से हारा है? 298 मतों से, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था मुझे? कुल मतों की संख्या बतानी थी। कुल मतों की संख्या मतलब 100 की वैल्यू बतानी थी। अगर मैं 20 में 5 की गुणा कर दूं, ठीक है, और इधर भी 5 की गुणा कर दूं, तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? जब 298 गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1490, ठीक है। आप कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, गुणा भाग तो आती होगी, तो पहली क्लास के बच्चों को आती है, ठीक है। 1490, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा आज, जो भी होते हैं वेद मत वाले अवेद मत वाले, ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब जीत जाता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से करेंगे, कुल मत 100, ठीक है, उनमें से 63% मत पाने वाले, ठीक है। तो कितने मिल गए इसको? 100 का 63% 63 होगा, तो
तो दूसरों को कितने मिले होंगे, दूसरे को कितने मिले होंगे इसे जब 63 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 37 मिले होंगे। ठीक है, वो कह रहा है 37 वाले से जो है 63 मत वाला जीत जाता है। ठीक है, 63 मत वाला 37 वाले से कितने वोटों से जीता है, आप बोलोगे 26 वोटों से जीता है। ठीक है, 26 वोटों से जीता है, उसमें क्या बोल रहा है, 26 से नहीं जीता, 650 से जीता है। ठीक है, कितने जीता है, 650 से। ठीक है, तो 26 की वैल्यू 650। आपको फिर क्या बतानी है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बतानी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, आपके कुल मतों की संख्या नहीं बूझी, इसने बोला चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, इसका मतलब 37 की वैल्यू बतानी। चुनाव हारने वाले को 37 मत मिले थे ना, तो 37 की वैल्यू बतानी मुझे, तो एक की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा, 650 बटे कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 37 की, तो मैं क्या करूँगा, 37 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 37 से एक में मल्टीप्लाई कर दूंगा और 37 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 37 की वैल्यू आ जाएगी, 37 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 से काट लो इसे, 26 से डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, अगर आपको अच्छे टेबल आते हैं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। 26 से 650 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और गुणा कितने से होनी है, 37 से होनी है। ठीक है, गुणा कितने से होनी है, 37 से, क्या है, 5 से भी काट सकते थे। ठीक है, 13 से काट लेते, चाहे 13 से काटते, 13 से कट जाए, 13 दून 26, 13 5 62। ठीक है, किसी से भी काट सकते हो जिससे आप कैलकुलेशन आसान लगे। ठीक है, जब यहाँ से कट गया हमारा, तो यहाँ से देखेंगे हम कितना, इनकी दोनों गुणा कितनी आएगी, 37 की वैल्यू कितनी आ गई, 925। ठीक है, कितनी आ गई, 925, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, वही करना है फिर हर क्वेश्चन में जो कर रहे हैं, 100 मान लिया, 100 मानने के बाद अब आपको क्या करना है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 84% मत मिले एक को। ठीक है, 84% मतलब 84 मत मिले। ठीक है, कितने मिले, 84 मत, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक को जब 84 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आप बताओगे 16 मिले होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, कोई भी बता सकता है। अब उसने कहा 84% मत प्राप्त करके इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, 476 मतों के, अब मैं बोलूँ 84 वाला कितने मतों से बहुमत से निर्वाचित हो रहा है, इससे 16 वाले से, तो आप बोलोगे 68 मतों से। ठीक है, 68 मतों से जीत रहा है यहाँ से, तो मैं कहूँगा 68 से नहीं जीत रहा, उसने बोला 476 मतों से जीत रहा है। ठीक है, 476। ठीक है, अब मैं अगर एक की वैल्यू निकालूँ तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता था वैसे 68 से इसे 476 को, पर आप कहोगे जिन्हें कैसे कर दिया, तो मैं फिर भी आपको इसके बटे में ले आकर दिखाता हूँ, 476/68। ठीक है, 68 से आप डायरेक्ट भी काट सकते हो अगर आपसे कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 7 बार, एक की वैल्यू 7 आ गई, तो क्या बताना मुझे, कुल मतों की संख्या बतानी, तो 100 की वैल्यू बतानी थी मुझे, 100 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा और 100 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 700, तो कुल मतों की संख्या कितनी आएगी, 700 आएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आसानी से लगा देंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इतने सारे क्वेश्चन लेकर आए हूँ, 12 से 13 क्वेश्चन है आराम से, और हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें देखते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन 100 मान लेना है। ठीक है, कुल मतों की संख्या 100, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। ठीक है, 38% मतलब एक को 38 मिले। ठीक है, अब मैं पूछूं दूसरे को कितने मिले, तो आप बोलोगे दूसरे को 62 मिले होंगे, कितने मिले होंगे, 62। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब उसने बोला 68% मत मिले और इतने मतों का नुकसान हुआ। ठीक है, इतने मतों का नुकसान हुआ, इसका मतलब जब 38 मिले उसे 62 मिलने चाहिए थे, कितने मतों का नुकसान हुआ यहाँ से, आप बोलोगे 24 मतों का नुकसान हुआ। ठीक है, मैं बोलूँगा 24 का नुकसान नहीं हुआ, 7200 का नुकसान बोला उसने क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 24 से इसे डिवाइड करोगे जब 7200 को, तो कितनी बार जाएगा, 300 बार, 24 दिया 72। ठीक है, तो क्या बताना,
वेद मतों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी थी। 100 की वैल्यू जब आप बताओगे तो 100 की गुणा इधर करोगे, 100 की गुणा उधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसे, ठीक है। बिल्कुल दिमाग यहीं पर होना चाहिए, कहीं दूर नहीं जाना चाहिए दिमाग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आती तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में ध्यान से चलूँगा, बिल्कुल कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो शुरू कर सकता हूँ कैलकुलेशन की, ठीक है। पर आपको आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन देखते क्या मान लिया 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, वेद अवेद मत वाला है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो 100 का 75% निकालो कि 75 ने अपने मत डाले, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 75% ने मत डाले, हमने मान लिया 75 ने मत डाले, ठीक है। उसने बोला है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। किनमें से, 75% मतदाताओं ने मत डाले जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, किनमें से, इन 75% में से, ठीक है। इन 75% में 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। 75 का आप 2% निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे आता होगा 25 चौका 100, ये डिवाइड करोगे 3 × 6 कितना है, 1.5 मत उन अवैध घोषित कर दिए गए। जब 75 में से 1.5 अवैध घोषित कर दिए गए तो वेद मत कितने बचे आप बताओगे, आप बता दो कितने बचे, 73.5। आसानी से बता दो कि कितने बचे, 73.5। ये क्या बचे, वेद मत बचे, ठीक है। क्या बचे, वेद मत, वेद मत, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, उसने बोला है घोषित कर देगा, एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किए जो वेद मतों के 75% थे। वेद मत 73.5 का 75% जो है वो 92-61 है, ठीक है। 73.5 का 75% जो है, 75% निकाल सकते हो आप, ठीक है। कितना आ जाएगा, 55.125, ठीक है। 55.125, ठीक है। कितना आ जाएगा, 55.125, ठीक है। 73.5 का 75% निकाला मैंने, और 73.5 का 75% जो बोला इसने बोला 92-61 है, ठीक है। 92-61 है, ठीक है। 92-61 है, तो आप आसानी से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। आप क्या करोगे, अब जब इसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा इतना, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना, 92-61 बटे कितना हो जाएगा, 55.125। जब हम इसे इसको डिवाइड करेंगे जीरो लगा के, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 168। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो मुझसे बता दीजिए, मैं कैलकुलेशन की वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, या इसमें ही आपको कैलकुलेशन करके दिया करूंगा पूरी। तो मुझे क्या बतानी है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या कितनी, 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16,800 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 16,800। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कुल मत मान लेंगे 100। इसने बोला किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो नहीं डाले तो मत डालो, कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है। तो कितने डाले होंगे, आप बोलोगे 92 डाले होंगे, ठीक है, हमें तो उनसे मतलब है ना, जिनने डाले हैं 92 ने अपने मत डाले, ठीक है, तो क्लियर है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, हाँ 2 ही थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, कुल मत कितने थे, 100 थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, इसका मतलब 48 मत प्राप्त किए, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, बस जो क्वेश्चन बोलता है बस वही करता हूँ मैं, और कुछ करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो उसने बोला है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, कुल मत कितने, 100 के कितने, 48% मत प्राप्त कर लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, इसे तो कितने मिल गए, 48,
तो दूसरे को कितने मिले होंगे आप बताओ मुझे, दूसरे को कितने मिले होंगे? 92 में से 48 तो इसने ले लिए, इसे कितने मिले होंगे? 44 मिले होंगे, ठीक है 44। कितने मिले होंगे? 44। बात 92 में से होनी है, ठीक है, इसे तो 92 में से 48 मिल गए, पर इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल दिया था ये जो है कुल मतों का 48% है, मिले तो होंगे 92 में से ही, ठीक है, मिले तो 92 में से ही होंगे, ठीक है, एक को 48 मिले, एक को 44 मिले, कितने का अंतर है इसमें, कितने का अंतर है? 4 का। तो उसने बोला 4 की वैल्यू कितनी रखी? 1100 मतों से, ठीक है, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी है? 1100/4 आ जाएगा। क्या बताना है इसमें? चुनाव में कुल मत थे तो 100 की वैल्यू मुझको बतानी है, तो आप आराम से बता दोगे 1100/4, 100 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 2 जीरो इधर लग जाएंगे, ठीक है, तो कितने बार कट जाएगा? 25 बार। तो जब 25 × 11 से करेंगे कितना आ जाएगा? 275/00, ठीक है, 27,500। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक ही क्वेश्चन क्या अलग से वीडियो बनाऊँ पर बना दूंगा तो मैं समझाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है इसने? दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों को 55% मत प्राप्त करता है, ठीक है, कुल मत कितने थे? 100। लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे, 20% मत अवैध थे तो वैध कितने थे, ठीक है। उसने बोला था एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों को 55% प्राप्त करता, तो पहले मुझे वैध तो पता होना चाहिए, तो उसने बोला है कुल मतों में 20% वोट अवैध थे, तो कितने वोट वैध थे? 80 वोट वैध थे, ठीक है, ये क्या थे? वैध मत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला उसने वैध मतों का एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता, तो 80 का 55% आप निकाल सकते हो, ठीक है, 80 का 55% आसानी से निकाल सकते हो, 80 का 55% जब निकालोगे, ये 0 से 0 आएगा, 5 से 11 बार, 5 × 2 = 8, 11 × 44, ठीक है, कितना आएगा? 44। एक उम्मीदवार को 44 मिल गया 80 में से, जब एक को 44 मिल गया तो एक को कितने मिले होंगे? 36 मिले होंगे, ठीक है, कितने मिले होंगे? 36 मिले होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 हो, उसने बोला वोटों की कुल संख्या 100 नहीं है, कितनी है? 7500 है, हम 100 मान के चले थे पर उसने बोला 100 नहीं है, 7500 है, तो मैं कहूँगा 100 के कितने गुणज में? आप बोलोगे 75 के गुणज में है, ठीक है, 75 के गुणज में है, 75 के गुणों में है, या मैं कहूँ सीधे शब्दों में तो एक की वैल्यू कितनी है? 75 है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है? पहले उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या 44, दूसरे उम्मीदवार को कितनी थी? 36। जब एक की वैल्यू 75 है तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी? 75 से गुणा कर देंगे, कितनी आ जाएगी हमारी? कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 2700, ठीक है, 75 की गुणा 36 से करेंगे कितना आएगा? 2700। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? ये भी आसान क्वेश्चन है काफ़ी। दो उम्मीदवार को मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ठीक है, कुल मान लिए 100, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो उसने बोला कुल वैध मतों के 80% मत मिले, तो पहले मुझे वैध मत पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यदि कुल 18,000 कितना है? 180,000, ठीक है, 180,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, 10% मतलब 10 मत अवैध घोषित कर दिए, कितने बचे? 90। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे? उसने बोला है पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला, ठीक है, पहले उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मत कितने थे? 90, ये क्या थे? वैध मतों का कितना मिला? 80% मत मिला, तो 90 का 80% जब हम निकालोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब 90 में से एक को 72 वैध मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को 18 मिले होंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है यदि कुल इतने मतों में से, ठीक है, 180,000 मतों में से,
ठीक है। और यहाँ पे कुल मत कितने माने पड़े थे, हमने मान रखा था 100, तो कितना इनने बोला कुल मत 100 नहीं है, कितना 180,000, ठीक है। तो हम 100 की वैल्यू कितनी है, 180,000, तो 100 की वैल्यू निकाल, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, कितनी आएगी की वैल्यू 1800 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आएगी 1800, अगर नहीं आती है तो मैं इधर को आपको बता देता हूँ, 100 की वैल्यू कितनी 180,000, 20 से 20 कट गए, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1800, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 1800 आ गई, मुझे क्या बताना, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने भेद मत पड़े, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने भेद मत 18, तो 1 की वैल्यू 1800 है, तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी, 1800 से गुणा करेंगे 18 324 और 20 लगाएंगे, और तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 63 बाद में कराऊंगा, आपके बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखना आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसमें, अब आपको क्या करना है, इसमें बोला है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मत मिले, ठीक है, 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर देगा, ठीक है। चलो ये करते हैं, यहाँ से कुल मत मान लिए कितने 100, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला उसने, 2% मत अवैध घोषित कर देंगे, ठीक है, मत अवैध, तो वेद बताओगे मुझे कितने हो गए, आप बोलोगे 2% अवैध, तो वेद मतों की संख्या बची 98, ठीक है, वेद मत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला उसने, एक उम्मीदवार कुल वेद मतों के 55% मत मिले, ठीक है, 98 को 55% आप आसानी से निकालते हो, नहीं आता तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कितना होगा 53.9, ठीक है, कितना आएगा 53.9, एक को 53.9 मिल गया 98 से, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 98 में से, इसको माइनस कर देंगे, कितने मिलेंगे 44.1, ठीक है, 44.1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसने बोला है यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी हो, ठीक है, इतनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू चलो इधर से निकाल के दिखाता हूँ, 100 की वैल्यू कितनी है 104,000, तो 20 से 20 कट जाएंगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी 1040, ठीक है, कितनी आएगी 1040, एक की वैल्यू 1040 आ गई, तो उसने बोला तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वेद मत पड़े, ठीक है, जिससे 55% मिले थे उसके इस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वेद मत पड़े, तो एक की वैल्यू कितनी है 1040, तो 53.9 की गुणा किससे करेंगे 1040 से, ठीक है, 1040 से जब इसकी गुणा करेंगे 53.9 की, तो कितना आएगा हमारा 56,056, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।